प्रणामाचार्य जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने मेरे जीवन को एक सही दिशा दी है। मुझे पता चला आपसे मिलके कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। पर एक समस्या है ये कि जब आपको 2 साल हो गया मुझे सुनते हुए, उससे पहले मैंने बहुत कुछ गलत किया था अपने जीवन में और उसका पछतावा भी है और अभी भी मैं उसके परिणाम भुगत रही हूँ। पर ऐसा होता है कि अब मैं सही मार्ग पे हूँ और मैं देखती हूँ जब और लोगों को, तो मैं चाहती हूँ, मुझे इस बात की खुशी होती है कि अब मुझे पता चल गया क्या सही है, पर इस बात का दुख भी है कि और पहले पता चलना चाहिए था तो और बेहतर होता। तो मैं अब चाहती हूँ कि जो बच्चे, ऐसा आप भी कहते हैं कि बचपन से ही उन्हें ये अध्यात्म की शिक्षा मिलनी चाहिए, और मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो मेरे घर में भी एक छोटा बच्चा है, मेरी बहन का बेटा है छोटा, 5 साल का। मैं चाहती हूँ कि वो भी अभी से इस रास्ते पे आए, उसे पता चले कि क्या सही है, वो ये सारी चीज़ें समझे। पर ये तर्क आता है घर से भी और बाहर भी, अगर मैं किसी को समझाने की कोशिश करूँ कि अभी क्या उम्र है, ये सब तो मुझे भी बोला जाता है और उसके लिए तो बोला ही जाता है कि ये सब तो बुढ़ापे की चीज़ें हैं और ये सब कुछ। मैं उनको बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर वो मुझे ही लांछन लगाने लगते हैं कि तुमने भी तो इतना कुछ कर लिया और सब कुछ करने के बाद अब तुम सही रास्ते पे आए और फिर ज्ञान दे रहे हो। तो मैं अपनी बात तो नहीं बोल पाती हूँ, फिर ऐसा अहंकार का बात आ जाता है। पर मैं और लोगों के एग्जाम्पल्स देती हूँ, जैसे विवेकानंद, गौतम बुद्ध। तो फिर वो कहते हैं कि गौतम बुद्ध के बारे में बात ही एक बार हुई थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी भी तो पत्नी थी, उनका बच्चा हो गया, उसके बाद वो फिर ज्ञान के मार्ग पे गए, तो ये लोग भी जब सब कुछ कर लेंगे जीवन में फिर जाएंगे उस मार्ग पे। तो फिर मेरे पास कोई तर्क नहीं होता है, तो मुझे इसका उत्तर चाहिए। देखिए, यहाँ बात तर्क का उत्तर देने की नहीं है, यहाँ बात सीधे सीधे नीयत की खराबी की है। आप कोई भी उत्तर दे दोगे, किसी भी तर्क से समझा दोगे, जिसकी नीयत समझने की है ही नहीं, वो कोई दूसरा कुतर्क उठा देगा। तो आप बहुत तरह के तर्क दे सकते हो। आप कह सकते हो कि अगर सब कुछ करने के बाद सही रास्ते पर आया जाता है, तो जिन लोगों ने सब कुछ कर लिया जीवन में, क्या वो सब आ जाते हैं सही रास्ते पर? आप कह रहे हो गौतम बुद्ध ने विवाह कर लिया, बच्चा कर लिया, फिर वो ज्ञान के रास्ते पर चले, तो जितने लोग विवाह कर लेते हैं और बच्चा कर लेते हैं वो सब चल देते हैं क्या ज्ञान के रास्ते पर? तो ये कैसा तर्क है? और दूसरी बात, अगर पत्नी के होने और बच्चे के होने से ही ज्ञान के रास्ते पर चला जाता है, तो गौतम बुद्ध उन दोनों को छोड़कर क्यों गए थे जंगल? साथ लेकर जाते हैं वो, तो उन दोनों को वो भी रात में छोड़कर गए थे कि छोड़ो इनको, भागो। ये सब बेकार की बातें हैं। साफ साफ समझिए कि सारी समस्या आती कहाँ से, और जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तब तक आप फंसे रहेंगे। सारी समस्या हमारे जन्म से ही शुरू हो जाती है। जब आप ये समझेंगे कि हम कितनी गहरी और लंबी चौड़ी दलदल में फंसे हुए हैं, तब आपके भीतर खतरे में होने का भाव उठेगा। एक घनघनाता हुआ अलार्म बजेगा। हर बच्चा ऐसे पैदा होता है जैसे एक लंबी चौड़ी दलदल की सतह पर एक जीव ने जन्म लिया हो, और वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसका भार आकार बढ़ता जाता है, वो हाथ पांव चलाता है, कर्म करता है, वैसे वैसे उस दलदल में और गहरा धंसता जाता है। ये मनुष्य जीवन है। हम मुक्ति के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हमारा जन्म ही जैसे एक षड्यंत्र है। जैसे हम पैदा ही इस तरह होते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे तुम गहरे और धंसोगे। जैसे कि जन्म ही हुआ हो किसी कैदखाने में, कारागार में, और वहां खूब अंधेरा हो, खूब अंधेरा हो, और इतना अंधेरा हो कि आपको ये भी ना पता लगता हो कि आप कैद में हैं। ये मानव स्थिति है।
हमको लगता है कि हम तो मजे मारने के लिए पैदा हुए हैं, हमको लगता है ये दुनिया तो बड़ी अच्छी जगह है जहां पे हमें तमाम तरह के सुख मिलने वाले हैं। ये मूल भ्रांति है। जब आप इस बात को समझेंगे तब तो आप ये भी समझ जाएंगे कि फिर कितना श्रम साध्य और कितना कठिन है इस दलदल से आजादी पाना। फिर आप जीवन को हल्के में नहीं लेंगे, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि अरे मैंने भी तो कोशिश करी थी आजादी की पर मुझे मिली नहीं। साहब आप दलदल में हैं, आपने कितनी कोशिश करी थी? 5-7 बार हाथ पांव चला करके तो आप स्विमिंग पूल से भी बाहर नहीं आ सकते, दलदल से कैसे बाहर आ जाओगे? लेकिन बहुत सारे लोगों का ये तर्क रहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम भी चाहते थे एक आजाद और ऊंचा जीवन जीना, हमने भी कोशिश करी पर हम सफल नहीं हो पाए। आप समझते भी हैं कि आप कहाँ फंसे हुए हैं, और अगर आप वहां फंसे हुए हैं तो वहां से निकलने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत चाहिए, हम इस बात को नहीं समझते। तो हम थोड़ी बहुत मेहनत करके सोचते हैं अरे मेहनत करने से तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए क्योंकि हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब जब मैं ये बात बोलूंगा तो भीतर से आपके एक असहमति उठेगी। क्यों? क्योंकि टीवी, मीडिया, बाजार, विज्ञापन, फिल्में, लोक संस्कृति, परिवार, ये सब हमें ये बता रहे हैं कि दुनिया तो सुख का घर है, यहां तो तमाम तरीके के सुख पाए जा सकते हैं। हंसो, खेलो, मजे करो, नाच है, रंग है। और उस बात को मानना हमारे लिए सुविधा युक्त भी रहता है। भाई कोई आपको बताए कि आपकी सेहत बहुत अच्छी है और क्या बात है, आप तो बड़े मजबूत, और दूसरा कोई बोले साहब आपको जबरदस्त बीमारियां लगी हुई हैं, तुरंत आपका मन क्या मानने का करेगा? पहले व्यक्ति की बात आप मानना चाहेंगे। ये अलग बात है कि वो जो पहली बात है वो पूरी झूठ है। तो ताज्जुब मत किया करिए जब आप अपने चारों ओर झूठ देखें। वो किसी व्यक्ति विशेष की भूल नहीं है, वो किसी एक इंसान ने गुनाह नहीं कर दिया कि वो झूठ बोल रहा है। आपसे आपके घर के लोग अगर कुतर्क करते हैं, फिजूल बहस करते हैं, तो वो कोई विशेष रूप से गिरा हुआ काम नहीं कर रहे, वो वही काम कर रहे हैं जो करने के लिए प्रकृति ने उनको पैदा करा है। एक संक्षिप्त वाक्य में कहें तो हम पैदा ही ऐसे होते हैं। हम झूठे हैं तो हम पैदा ही ऐसे होते हैं, हम ओछे हैं, छिछोरे हैं तो हम पैदा ही ऐसे होते हैं। इसमें किसी ने कोई गलती नहीं कर दी, आपकी उम्मीदें गलत हैं। आप चाह रहे हो कि एम्बेसडर कार राफेल विमान बन जाए, वो पैदा हुई थी उड़ने के लिए, वो फैक्ट्री से जब निकली थी तो उसे पंख लगे थे। हम पैदा ही ऐसे होते हैं। गलती अगर कहीं है तो आपकी उम्मीदों में है, आपकी उम्मीदें होती हैं कि अब ये उड़ेगी, और जब वो उड़ती नहीं है तो आप उसको लानते भेजते हो, आप कहते हो ये देखो ये गलत निकल गई, मेरी किस्मत खराब है, मुझे ऐसी एम्बेसडर मिल गई। आपसे कह किसने दिया कि वो उड़ेगी, या आप उड़ोगे या कोई भी उड़ेगा? हम पैदा ही ऐसे होते हैं। और जब आप ये समझोगे कि हम पैदा ही ऐसे होते हैं, मैं कह रहा हूं, तब आपको अपनी हालत की गंभीरता समझ में आएगी। तब जरा आप सतर्क होके विचार कर पाओगे कि कितनी सतर्कता और कितना श्रम चाहिए। नहीं तो जीवन तो बहुत आसान है, यूं ही सस्ती हंसी ठिठोली में बिता देना। वो बच्चा है, उस बच्चे को उसके माँ बाप आध्यात्मिक शिक्षा बिल्कुल नहीं देना चाहते। अरे तो इसमें आश्चर्य क्या है? वो बच्चा भी ऐसा पैदा हुआ है, उसके माँ बाप भी ऐसे पैदा हुए हैं। आश्चर्य की बात तो तब होती जब लाखों में कोई एक घर ऐसा निकल जाए जहां माँ बाप कहें कि बच्चे को बचपन से ही बोध साहित्य पढ़ाना है,
वो आश्चर्य की बात होती, वहां आपको कहना चाहिए था कुछ गड़बड़, ये कैसे हो गया। इस दुनिया में जब भी कोई घटिया गिरा हुआ मूर्खतापूर्ण काम होता देखे तो बिल्कुल ताज्जुब मत माना करिए, ये दुनिया चीज ही ऐसी है, इसका डिजाइन ही ऐसा है। जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं वो गड़बड़ी नहीं कर रहे, वो सामान्य है, वो नॉर्मल है। एबनॉर्मल कौन है, असामान्य कौन, जो गड़बड़ी नहीं कर रहे, उनके डिजाइन में फॉल्ट है, उनको पकड़ना चाहिए कि भाई तू यहां, तू कहां से पैदा हुआ, या तू टपका है ऊपर से। मुझे तो आज भी लगता है कि वो टपके हैं, और इसीलिए बेचारे अक्सर जल्दी फिर टपक भी जाते हैं। अहंकार इसी बात में है कि हम ना अपनी स्थिति को जानते हैं और ना हम मानना चाहते हैं कि दुनिया भर के सारे दोष हम में जन्म से ही विद्यमान रहते हैं। हम ऐसी उल्टी गंगा बहाते हैं कि हम कहते हैं बच्चा तो मासूम होता है। बच्चा दुनिया भर के दोषों का पिटारा होता है, वो सब कुछ लेकर के गर्भ से पैदा होता है। आपको क्या लगता है, ये जितने तरह की क्रूरताएं होती हैं और मूर्खताएं होती हैं उसको समाज सिखाता है? जिनके घरों में छोटे बच्चे होंगे वो भली भांति जानते हैं, बच्चे में ईर्ष्या भी होती है, दंभ भी होता है, अज्ञान का तो कहना ही क्या, मोह भी होता है, आसक्ति भी होती है, सब होता है बच्चे में। हम पैदा ही ऐसे होते हैं। जब आप ऐसे पैदा हो और तब भी आपको लगे कि ऐसे बने नहीं रहना है, तो फिर आप कहेंगे मुझे बहुत बहुत मेहनत करनी है और मेरे पास समय बहुत कम है, मेरी हालत बहुत खराब है और मुझे शायद 40 साल, शायद 60 या 80 साल दिए गए हैं, तो मुझे बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा, मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय बिल्कुल नहीं है। मेरी हालत खराब है, मैं बहुत पीछे हूं, मुझे बहुत आगे जाना है, मैं बहुत नीचे हूं, मुझे बहुत ऊपर जाना है। लेकिन हमें ये पता ही नहीं लगने दिया जाता ना कि हालत कितनी खराब है। हमें एक झूठी ठिठोली में फंसा कर रखा जाता है, ऑल इज वेल। कहिए। नमस्ते आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन है कि हम कभी भी सपना देखते हैं, हम कभी ड्रीम करते हैं किसी चीज़ को अचीव करने का, और हमको पता है कि हमें कैलिबर है, हम कर भी सकते हैं, बट बाहर की इतनी नेगेटिविटी होती है, सोशली इतना प्रेशर होता है कि वो हमारे अंदर आने लगती है, तो हम उस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि बाहर की नेगेटिविटी हमारे अंदर की नेगेटिविटी ना बने? भीतर अपने लक्ष्य के प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए कि बाहर की कोई आवाज़ सुनाई न दे। सर लेकिन जो डेली सेल्फ डाउट्स होते हैं कि नहीं बाहर इतना कंपटीशन है या आज हमसे इसी ने ये बोला, जो सेल्फ डाउट्स होते हैं उनको कौन कर नहीं कर पाते हैं? बोला उसकी बात सुनने का आपके पास समय क्यों है? तब बट कोई आता है कि हम गाइडेंस कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। कोई आया गाइडेंस देने, आपने ली क्यों? यस। और कोई इसका उत्तर नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई समाधान है नहीं। डेली बेसिस पर लोग आपके पास बार बार आते ही रहेंगे, दुनिया पर आपका नियंत्रण नहीं चल सकता, कोई दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है आप उसे कैसे रोक लोगे और कितनों को रोकोगे? आपका बस एक व्यक्ति पर चल सकता है, अपने ऊपर, ठीक है? किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी है ये बात आप तय करिए ना। आप क्यों हर ऐरे गहरे को हक दे देते हैं कि वो आपके मन पर प्रभाव छोड़ जाए? आपको जरूरत क्या है सबको सुनने की? वो तभी होता है जब भीतर अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्टता ना हो, जब मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। सर लेकिन वो सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं। क्या नाम है आपका? मेघा। देखिए दीपिका, मेघा देखिए सुलेखा, अरे चित्रा जी, नहीं नहीं मैं भूल गया,
सत्यनारायण आपका नाम है ना? सेल्फ डाउट्स आए? नो सर। क्यों नहीं आए? सर बिकॉज आई नो व्हाट इज ट्रू। वही बात है,